पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से, जहां मसूरी थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि 20 जुलाई की रात ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक कैंटर चालक को बंधक बनाकर लुटेरों ने कैंटर और उसमें लदे 30 लाख से ज्यादा के माल की लूट को अंजाम दिया था। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से कैंटर के साथ 30 लाख रूपये से अधिक का माल भी बरामद किया है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं लुटेरों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। गुडवर किया गया है एसपीआरए नीरज जाधव और उनकी टीम ने 20 जुलाई को एक कैंटर जो ट्रक होता है जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो बागपत को हरियाणा से कनेक्ट करता है वहां पर ड्राइवर ने सूचना दी कि उसके कैंटर को एक बोलेरो ने ओवरटेक करके उसको लूट लिया है। इस पर पूरी तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो थाना मसूरी की टीम है सीओ सदर के नेतृत्व में इस टीम ने इस कैंटर को और इसमें हैवी इलेक्ट्रिकल के गुड्स थे, कंपोनेंट्स थे, वो लगभग कुल मिला के 30 लाख का ये पूरा सामान था कैंटर मिला करके, और इस पूरे को जो कैंटर मिला के जो लगभग 40 लाख की जो लूट थी इसमें कैंटर भी बरामद कर लिया गया है, जो बोलेरो गाड़ी थी उसको भी बरामद कर लिया गया है और भारी मात्रा में हैवी इलेक्ट्रिकल का जो सामान था उसको बरामद कर लिया गया है। इसमें कौसनेंदर फुरकान ये 2 अभियुक्त गजरौला के थे और एक सत्येंद्र जो कि संभल का था इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से ये गिरोह जो है ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह है जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे ट्रकों को